दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसे स्टॉक बताऊंगा जिसमें FIIs कंटिन्यू बाइंग कर रहे हैं इस स्टॉक में और स्टॉक ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। लेकिन उसके साथ साथ में सबसे लास्ट में मैं आपको ऐसा स्टॉक बताऊंगा जिसमें FIIs कंटिन्यूस बाइंग तो कर रहे हैं लेकिन प्राइस अभी बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है, मींस कि उसमें अभी रैली आना बाकी है। तो दोस्तों वीडियो पूरा जरूर देखिए, मैं आपको 5 ऐसे स्टॉक बताऊंगा जिसमें FIIs कंटिन्यू बाई कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप ऑप्शन सेलिंग पे कुछ काम करना चाहते हैं तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ऑप्शन सेलिंग पे काफी बेसिक लेवल से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, तो आप यहाँ से ऑप्शन सेलिंग के बारे में बहुत ज्यादा सीख सकते हैं और एडजस्टमेंट कैसे करना है बहुत सारी चीजें मैं आपको अपडेट करता हूँ। यूट्यूब पे भी एज वेल एज टेलीग्राम चैनल पे भी मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ सारे एडजस्टमेंट, तो यहाँ पे आप हमारी ट्रेड्स को फॉलो कर सकते हैं। जो ऑप्शन सेलिंग में इंटरेस्टेड है, सेलिंग करते हैं या उसको सीखना चाहते हैं, वो दोनों लोग यहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला दोस्तों स्टॉक है JBM ऑटो। ये ऐसे स्टॉक बताऊंगी बहुत ही शॉर्ट में सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। JBM ऑटो शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाएंगे और यहाँ पे आप देखिए FIIs की होल्डिंग्स कंटिन्यूस, आप ग्राफ देख के समझ सकते हैं FIIs की होल्डिंग्स। नंबर्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 0.89%, फिर 0.93%, फिर 1.2%, 1.25%, 1.31%, 1.24%, दिसंबर 2022 में 1.37% और अभी मार्च में मार्च 2023 में 1.66%। बहुत अच्छा जंप देखने को मिला है जो कि आपको ग्राफ में भी दिखाई दे रहा है। तो FIIs कंटिन्यूस इस स्टॉक में बाइंग कर रहे हैं। अब हम इसका JBM ऑटो का हम चार्ट भी अब देख लेते हैं। FIIs बाइंग तो कर रहे हैं लेकिन चार्ट में कैसा प्रदर्शन हो रहा है वो भी हमें एक बार देखना जरूरी है कि किस तरीके से JBM ऑटो, ठीक है। और चार्ट भी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए स्टॉक ने क्या मतलब FIIs कंटिन्यूस बाइंग कर रहे हैं उसके हिसाब से हम देख रहे हैं। स्टॉक में रिटर्न भी काफ़ी अच्छी देखने को मिले हैं, बिल्कुल बहुत ही अच्छा स्टॉक हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छे रिटर्न इस स्टॉक ने दिए हैं डेली चार्ट पे। आप देखिए दिसंबर 2022 में लगभग 400 के आसपास ट्रेड कर रहा था और चार्ट 12 लगभग दिसंबर से अभी तक स्टॉक 3 गुना हो चुका है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि 5 स्टॉक तो बताऊंगा लेकिन एक ऐसा स्टॉक है जो लास्ट में बताऊंगा। यहाँ पे देखो FIIs बाइंग कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिल गई। अब यहाँ पे हम इसको बाइंग करेंगे तो हमें उतना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं मिलेगा। तो ऐसा स्टॉक आप सोचोगे सर ऐसा स्टॉक बताओ जिसमें FIIs कंटिन्यू बाइंग तो कर रहे हैं बट उसमें इतनी अच्छी रैली अभी आना बाकी है, रैली अभी ना आई हो, मतलब यहाँ कहीं आसपास आप पकड़ते, वो स्टॉक मैं आपको सबसे लास्ट में वो स्टॉक में बताऊंगा। हम वीडियो को जरूर देखिए, लगातार देखते रहिए, मैं आपको वो स्टॉक बताऊंगा। लेकिन अब उससे पहले हम आपको दूसरा स्टॉक बताते हैं जिसमें FIIs कंटिन्यू बाइंग कर रहे हैं। दूसरा स्टॉक है कल्याण ज्वेलर्स में देखेंगे FIIs की होल्डिंग। देखिए पहले तो बहुत ही कम होल्डिंग थी, 4% के आसपास थी, 3%, 2%, 2.57%, लेकिन दिसंबर 2022 में एकदम से FIIs ने इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे शेयर बाई किए हैं, लगभग 28.72% और अभी मार्च 2023 में देखेंगे तो 29.65%, काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिला है FIIs की होल्डिंग्स में। इसका मतलब स्टॉक में कुछ तो बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है या होने वाला था, ठीक है। अब इसका चार्ट भी देख लेते हैं। देखिए चार्ट क्या बखूबी, वीकली चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो क्या अच्छा ब्रेकआउट दिया है स्टॉक। नीचे के लेवल से देखेंगे 102 के लेवल से देखेंगे तो 141-40 के लेवल चल रहा है, ठीक है। तो बहुत अच्छा रिटर्न दिया है कल्याण ज्वेलर्स में भी जिसमें FIIs कंटिन्यू बाइंग कर रहे हैं। अब हम तीसरे स्टॉक की तरफ चलते हैं। तीसरा स्टॉक है दोस्तों हमारा करूर वैश्या बैंक, फटाफट मैं आपको बताऊंगा और जल्दी से चलते हैं लास्ट स्टॉक पे जहां पे हमें प्राइस अभी बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है और FIIs की होल्डिंग कंटिन्यूस बढ़ रही है। लेकिन उससे पहले मैं आपको और सारे स्टॉक बता दूं जिसने आपको एक पता चल जाएगा कि अगर FIIs बाइंग कर रहे हैं तो उसका इंपैक्ट स्टॉक के ऊपर कैसा पड़ता है, इससे आपको वो चीज़ देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पे FIIs ने बाइंग किया 15%, 16%, 17%, अभी लगभग 18% के आसपास पहुंच गया है लेटेस्ट क्वार्टर में। करूर वैश्या बैंक का चार्ट देख लेते हैं। करूर वैश्या बैंक इसका भी चार्ट देखिए दोस्तों वीकली चार्ट पे। ये स्टॉक मैंने बहुत पहले आपको यहाँ पे सजेस्ट किया था, देखिए अभी वो जो मैंने एडिटिंग की थी वो भी पड़ी हुई है। यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद स्टॉक ने थोड़े बहुत दिनों साइडवेज रहा लेकिन जब इसने ब्रेकआउट लिया तो क्या गजब रिटर्न दिया। यहाँ के आसपास 30 रुपये के आसपास चल रहा था और आज लगभग 130 के आसपास स्टॉक पहुंच गया है। तो देखिए कितना अच्छा रिटर्न इस स्टॉक ने दिया है करूर वैश्या बैंक ने। अब चलते हैं दोस्तों हमारे चौथे स्टॉक की तरफ जिसका नाम है शीला फोम। इसमें भी देख लेते हैं कि FIIs की क्या स्थिति है। FIIs देखिए कंटिन्यूस स्टॉक में बाइंग कर रहे हैं, पहले 1.29% की होल्डिंग थी, उसके बाद देखिए 2%, फिर 2.5%, 3%, 3%, 3.26%, तो अभी देखिए लगभग 3.2 कंटिन्यूस स्टॉक इसमें FIIs इस स्टॉक में अपनी होल्डिंग्स को बढ़ा रहे हैं। अब इसका रिटर्न कैसा आया है वो भी देख लेते हैं। होल्डिंग्स तो बढ़ रही है लेकिन स्टॉक ने रिटर्न कैसा दिया है वो भी हम देख लेते हैं। अब देखिए ये पहला स्टॉक आया है जिसमें FIIs कंटिन्यूस बाइंग तो कर रहे हैं लेकिन स्टॉक ने अभी प्राइस में वो चीज़ अभी नहीं देखने को मिली है। तो इट मींस अगर प्राइस ऊपर बढ़ जाएगा तब बाइंग करेंगे तो हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो हमारे फेवर में बहुत ही कम रहता है, ज़्यादा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बाइंग करने से हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो रिस्क कम रहता है और रिवार्ड हमें बहुत ज़्यादा मिलने की संभावना रहती है। तो ऐसे स्टॉक हमें कैप्चर करना चाहिए, ठीक है। इसमें हमारे स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा रहता है और रिटर्न हमें इसमें हाई मिल सकते हैं।
तो पहले के तीन स्टॉक में मैंने आपको बताया कि एफआईआई जहां पे बाइंग कर रहे हैं देर सवेर उन स्टॉक्स में तेजी तो आती है, लेकिन उन तीन स्टॉक में तेजी आ चुकी थी, लेकिन ये ऐसा स्टॉक है जिसमें भी तेजी आना बाकी है। इसके बाद एक और ऐसा स्टॉक है जिसमें भी तेजी आना बाकी है, वो हम अभी जस्ट इसके बाद इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये देखिए कितना अच्छा पैटर्न बना हुआ है डेली चार्ट पे। अगर आप देखेंगे तो डेली चार्ट पे यहाँ पे अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ में हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। प्राइस एक बार ब्रेकआउट हुआ, फिर साइडवेज हुआ, फिर से स्टॉक ऊपर निकला, तो यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग बनती है, 1200 के आसपास बाइंग बनती है। टारगेट आपको इसमें बहुत अच्छे देखने को मिल सकते हैं, 1500-2000 तक के भी टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं अगर आप इसमें होल्ड करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया सीला फोम लिमिटेड का शेयर। अब दोस्तों हमारा लास्ट स्टॉक बचता है जिसमें हमें जो पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है, स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी, जिसका प्राइस अभी 290 के आसपास चल रहा है। इस स्टॉक में मुझे बहुत अच्छी कन्विक्शन है और इस कन्विक्शन को आपको मैं FIS की होल्डिंग से आपको बताता हूँ। देखिए FIS की होल्डिंग इसमें पहले तो ज़्यादा थी, उन्होंने बीच में कम किया था, लेकिन अब हाल फिलहाल में आप देखेंगे 2% तक आ गई थी जून 2022 के लेट क्वार्टर में, और उसके बाद में आप देखेंगे कंटिन्यूस क्वार्टर में 2.65%, 3.53%, और 2023 के मार्च के क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो 4.13% की होल्डिंग। यहाँ पे भी FIS कंटिन्यूस इस स्टॉक में अपनी होल्डिंग्स को बढ़ा रहे हैं। अगर आप DIS को देखेंगे तो DIS की भी होल्डिंग आज के डेट में मैक्सिमम लेवल पे पहुंच चुकी है 5.55% की। स्टॉक में अभी शॉर्ट टर्म तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के हिसाब से, क्योंकि इसका सेक्टर ऐसा है रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर है, और आगे आने वाले समय में आप देख रहे हैं सोलर पैनल या विंड एनर्जी, इन सब पे ही काम होने वाला है। जो थर्मल से पावर जनरेट होती है उसमें तो हमें कमी देखने को मिलेगी, इन सेक्टर्स में हमें तेजी देखने को मिलेगी। तो अभी एक यही एक ऐसा स्टॉक है जिसमें हमें उतनी तेजी देखने को नहीं मिली है जितनी हमें इस सेक्टर के बाकी स्टॉक्स में देखने को मिली है, स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी। इसमें रिलायंस ने भी 40% अपना स्टेक एक्वायर किया है, तो रिलायंस की ये कंपनी हो चुकी है आज के डेट में। ठीक है, मैक्सिमम होल्डिंग रिलायंस की ही है आज की डेट में। तो अब देखिए स्टॉक में जब से इसका IPO तब से स्टॉक नीचे ही जा रहा था, अभी हाल फिलहाल में स्टॉक ने तेजी दिखाई, लेकिन बहुत दिनों से लगभग अगर आप देखेंगे तो आज टाइम लगभग 1.5 साल के आसपास हो चुका है, 1.5 साल से स्टॉक जो है अपना साइडवेज ही मूव में चल रहा है। यहाँ पे बहुत अच्छे वॉल्यूम देखने को मिले थे, लेकिन बीच बीच में यहाँ पे वॉल्यूम का स्पाइक होता है, लेकिन स्टॉक में भी तेजी नहीं देखने को मिली है। लेकिन अगर आप फंडामेंटल देखें तो FIIs एंड DIIs इस स्टॉक में बाइंग कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपको वॉल्यूम भी अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन प्राइस में आपको वो चीज़ अभी देखने को नहीं मिली है। तो इस स्टॉक में भी मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि इस स्टॉक में भी हमारा जो डाउन साइड रिस्क है बहुत ही कम है, लेकिन अपसाइड अगर इस स्टॉक में जब भी देखने को मिलेगी तो इस स्टॉक में आपको बहुत अच्छे लेवल 500, 600, even 800 तक के भी लेवल्स आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं लॉन्ग टर्म का अगर आपका नजरिया है, क्योंकि स्टॉक भी अच्छा है, पैरेंट कंपनी रिलायंस है, ये वो भी पॉजिटिव बात है। दूसरी चीज, जिस सेक्टर में ये है उस सेक्टर का आने वाले समय में बूम होने वाला है, तो इसलिए मुझे इस स्टॉक पे बहुत अच्छा कन्विक्शन है। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 स्टॉक है, इनको रडार में रखिए और देखिए कैसा परफॉर्म करते हैं। लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिएगा, और इन्वेस्टमेंट करते हैं तो स्टॉप लॉस भी जरूर प्री डिफाइन कर लीजिएगा, तभी आप उसके बाद में इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।